कभी ब्रह्मा जी को देखा है? बोलिए, किसने देखा है? विष्णु जी को देखा है? महेश को देखा है? ना तुमने ब्रह्मा जी देखे, ना विष्णु जी देखे, ना महेश जी देखे, लेकिन मैंने देखे। मैंने ब्रह्मा भी देखे हैं, विष्णु भी देखे हैं और महेश भी देखे हैं। मुझे नहीं मालूम मेरे भाई कि ब्रह्मा इस जगत को पैदा करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इतना तो मालूम है कि मुझे मेरी माँ ने पैदा किया है और मेरे लिए माँ ही ब्रह्मा हुआ करती है। मुझे नहीं मालूम कि विष्णु हमारा पालन करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इतना तो तुम सब भी जानते हो कि माँ ने तुम्हारा पालन जरूर किया है, तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया है। इसलिए माँ ही ब्रह्मा है, माँ ही विष्णु है। और मुझे नहीं मालूम कि बुराइयों का अंत शिव महादेव करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हर बच्चे की जीवन से बुराइयों को मिटाने वाली कोई है तो उसकी माँ हुआ करती है। ध्यान रखिए, माँ ही ब्रह्मा है, माँ ही विष्णु है और माँ ही महेश हुआ करती। माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सुबह उठकर के ब्रह्मा के मंदिर जाओ, विष्णु के मंदिर जाओ, महेश के मंदिर जाओ, किसी तीर्थंकर के मंदिर जाओ, अरे जाओ या ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना, अरे भगवान के मंदिर में प्रवेश करने से पहले तुमने माँ के तन के मंदिर में प्रवेश किया था। आपसे यही निवेदन है, रोज सुबह उठकर जो माँ बाप के दर्शन कर लिया करता है उसे भगवान के दर्शन का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाया करता है। रोज सुबह उठ के माँ के चरण छुओ, आशीर्वाद लीजिए उनका। ध्यान रखना, माँ बाप की दुआएं किसी संत के आशीर्वाद से कम नहीं हुआ करती हैं। ध्यान रखिए, माँ बाप की दुआ, दिश को देखो वो सजा देता है और दोस्त बनकर के दगा देता है। जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर के दगा देता है। एक माँ का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है? वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ? फ्री में दुआएं देने वाली कोई है तो वह माँ हुआ करती है। मान्यवर, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता। माँ शब्द वो शब्द है कि जुबान पर आ जाए तो जुबान मीठी हो जाया करती है। एक अक्षर का ये महा माँ शब्द, इसे एक अक्षर ना समझे। मैं तो कहता हूं कि विद्यालय क्या, महाविद्यालय क्या, माँ तो दुनिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय हुआ करती है। माँ से बड़ा विद्यालय दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है।